अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काजमी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। जिस तरीके से हमने अपने गुज़िश्ता शो में बात की थी, एक प्रेडिक्शन की थी और साथ में जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था इन तवक्कुआत के साथ कि पाकिस्तानी टीम भारत को शिकस्त दे देगी अपने ओपनिंग मैच में वर्ल्ड कप T20 के, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कौमी टीम की ज़बरदस्त बेहतरीन कारकर्दगी रही ओवरऑल। अगर हम बात करें बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, तमाम ही डिपार्टमेंट्स के अंदर खिलाड़ियों ने बिल्कुल अपनी जान मारी और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी समेटी है। और पूरी दुनिया में हम बात करें, चाहे क्रिकेट शायकीन हों या फिर एम्बेसडर्स हों, पॉलिटिकल कम्यूनिटी हो, हर जानिब से जो है वो पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगाम आ रहे हैं। और साथ ही साथ इंडिया को जो जिस किस्म की शिकस्त हुई है वो बहुत ही एक अजियतनाक शिकस्त हुई, और जितना उनका गुरूर था और जितना उनको फख्र था अपनी कारकर्दगी के ऊपर, पाकिस्तान ने बिल आखिर उस जिंक्स को भी तोड़ दिया है कि पाकिस्तान ने इससे कबल वर्ल्ड कप में भारत को कभी शिकस्त नहीं दी थी और बिल आखिर हमने अब शिकस्त दे दी है भारत को। और अब ये कहना भी उनका ख़त्म हो गया कि पाकिस्तान ने उनको कभी वर्ल्ड कप के मार्के में नहीं हराया, और एक बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। अगर हम बात करें शाहीन शाह आफरीदी की, शुरू से ही उन्होंने भारतीय टीम को अंडर प्रेशर लेकर आए और उसके बाद जब चेस करने की बारी आई तो बाबर आजम और विराट कोहली ने सॉरी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली को दिखाया कि आखिर किस तरीके से टारगेट को चेस किया जाता है। इन तमाम बारों में बात करेंगे और साथ में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा और न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान का एक सीरीज होनी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसको छोड़कर चले गए अधूरा और नहीं खेली उन्होंने कुछ एक बहुत ही बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट को जवाब बनाकर, तो अभी बहैसियत कौम हम उसको नहीं भूले हैं। और जिस तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने कहा था कि हम उसका बदला ग्राउंड के अंदर लेंगे, हम अब देखते हैं कि कल कौमी टीम जो है वो, क्योंकि मोराल बुलंद है, कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई रॉकेट हुआ हुआ है इस वक्त पाकिस्तानी टीम का, तो अब देखना यह कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तानी टीम कल खेलेगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे आज साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट पर नज़र रखते हैं, जनाब यासिर अरफात साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर, वेलकम टू द शो। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे, दुबई में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजियाकार, कल उन्होंने मैच भी देखा, कुछ विराट कोहली से सवाल भी किए, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। यासिर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। एक ऐसी कारकर्दगी की हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, जीतेगा और इस मरतबा भारत को जो है वो एक मुंह तोड़ शिकस्त का सामना तो होगा, लेकिन 10 विकेटों से आपने एंटिसिपेट किया था। देखिए बजाज, सबसे पहले तो आपको और सही साहब दोनों को और जितने भी आपके सुनने और देखने वाले लोग हैं सबको बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान की जीत। और मैं तो आपको बताऊं कि इतनी खुशी है कि अभी भी वो जो गूज बम है वो अभी भी जब पाकिस्तान की जो हाईलाइट दिखा रहे हैं और जो हमारे जो डिफरेंट मुल्कों में भी और शहरों में पूरे पाकिस्तान में जो जश्न का समय है अभी भी देखें, बड़ी खुशी होती है देख के। क्रिकेटर से ज़्यादा मुझे जो आवाम है, जो आवाम बहुत डाउन थी हमारी, जो क्रिकेट अभी पीछे जो हमने खेली है, जिस तरीके से भी वो अभी न्यूजीलैंड और वो इंग्लैंड की टीम ने इनकार भी किया, तो वो चीज़ें सुन के देख के बड़ा अफसोस होता था आवाम के लिए, और आज वो देख के और कल जो चीज़ें हमने देखी बड़ी खुशी हो रही है उस चीज़ की। और जो आपका सवाल है वो ये है कि एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान, देखिए मेरी भी फीलिंग और मोस्ट ऑफ द जो क्रिकेटर्स और जो लोग सोशल मीडिया पे थे उनकी प्रिडिक्शन यही थी कि मैच अच्छा होगा मगर ऑन द पेपर इंडिया की टीम स्ट्रांग है जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है, मगर क्रेडिट देना पड़ेगा जो हमारी मैनेजमेंट ने जिस तरीके से प्लान आउट किया और हमारे प्लेयर्स ने स्पेशली एवरी जो डिपार्टमेंट आप कह लें, ख्वाह वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो और फील्डिंग में भी आप देखें जिस तरीके से, जिस एनर्जी से लड़कों ने कल जान मारी, तो बहुत जितनी जितनी ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की तारीफ की जाए और वो कम है, और अभी हमें इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं मगर उसके साथ साथ हमें अगले मैचेस पे भी नजर रखनी चाहिए कि अब न्यूजीलैंड का मैच है और हमें एक एक मैच को वन एट ए टाइम लेना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो वेल डन टू ऑल द पाकिस्तानी टीम और सब आवाम को और सब लोगों को मुबारकबाद। हैदर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से यासिर ने कहा कि पूरी टीम को, पूरी कौम को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है और एक ज़बरदस्त कामयाबी करार दिया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा के मैचेस पे फोकस रखना होगा। कल जो मैच खेला गया, सबसे पहले तो क्योंकि आप दुबई में मौजूद हैं आपने मैच भी देखा, मुझे बताइएगा किस तरीके का माहौल था ग्राउंड के अंदर और कितनी कॉन्फिडेंट पाकिस्तान की टीम दिखाई दी। जी वजाद, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, आपको, यासिर को और सबको मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने एक मनहूसियत, इसके लिए सही लफ्ज इस्तेमाल करूं मैं, कि उसको उसका खात्मा कर दिया है। 29 साल से एक जो जद्दोजहद थी, एक ख्वाब था, ये पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान से लेकर आज तक के कप्तान बाबर आजम तक
सबका ये ख्वाब था कि भारत को वर्ल्ड कप के आलमी मुकाबलों में शिकस्त दें, और माशाल्लाह कल पाकिस्तान ने ये करके दिखाया। दूसरी बात आपने पूछी कि अवाम का क्या वहाँ पे जोश था, क्या हाल था, तो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप समझ नहीं सकते कि अवाम कितने बेचैन थे वहाँ पे। जो लोग देखने आए थे वो सिर्फ दुबई के नहीं थे बल्कि पाकिस्तान से भी आए थे और दूसरे मुल्कों से आए थे, और वो इंतहाई खुश थे और उनको उम्मीद थी कि आज कुछ होके रहेगा। कुछ ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में कि आज पाकिस्तान की टीम कुछ नया कर देगी, कुछ अनहोनी करके दिखाएगी, और माशाल्लाह सबने किया। दूसरी एक बात मैं कहूंगा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पे कि यासिर अरफात टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्रिकेट मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। आप देखें दोनों टीमों की बैटिंग में एक खास फर्क नजर आया था कि इंडियन टीम जब बैटिंग कर रही थी वो दो रन तो बड़ी मुश्किल से ले रहे थे और एक रन भी कई बार वो छोड़ देते थे, यानी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जैसा ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें फिक्र नहीं है या वो समझ नहीं कि बस पाकिस्तान से जीत जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें, एक टारगेट मिला था, जब आपके सामने एक टारगेट एक हद हो तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से कि हमें क्या करना है, लेकिन रिजवान ने और बाबर ने जो रनिंग बिटवीन द विकेट की है अमेजिंग थी। आप बाबर के पंचेस या रिजवान के हुक शॉट पुल शॉट को छोड़ दें, सिर्फ आप रनिंग बिटवीन द विकेट देखें तो अमेजिंग थी। जहां दो रन एक रन बनता था वहां दो ले रहे थे, हालांकि उनको पता था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, इतना बड़ा टारगेट नहीं है। तो ये सारी चीजें कल पाकिस्तान की जो रिवायत है उसके खिलाफ गई थी। पाकिस्तान जिस तरह दिल बर्दाश्त होकर जाता था, भारत के सामने पहले ही लरस रहा होता था, लेकिन कल बाबर आजम और उनकी कंपनी ने एक कमाल करके दिखाया। बिल्कुल, एक कमाल करके दिखाया है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। यासिर, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस तरीके से हैदर साहब ने बॉडी लैंग्वेज की बात की, पाकिस्तानी टीम का जो कल मोराल नज़र आया, जो उनके ग्राउंड के अंदर प्रेजेंस थी, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। जबकि अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो कुछ उनके चेहरे मुरझाए हुए दिखे। जब शुरू से उन्होंने बैटिंग का आगाज़ किया था तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर, अंडर कॉन्फिडेंट कल पहली बार मुझे ऐसा लगा भारतीय खिलाड़ियों को देखकर, चाहे रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, इवन विराट कोहली की अगर हम बात करें तो थोड़े डरे सहमे हुए दिखाई दिए। कहीं पॉलिटिकल प्रेशर था उनके ऊपर, क्योंकि उसके बाद भी पाकिस्तान की मैच जीतने के बाद भी अब कई चीज़ें खबरें ऐसे तरीके की आई हैं कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे मामलात हुए हैं खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, जिसके ऊपर ये सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि एक कोई पॉलिटिकल सी सिचुएशन जो है वो क्रिकेट को लेकर हमेशा बैठ जाता है। तो कहीं इस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर था इंडिया की टीम के ऊपर? देखिए पॉलिटिकल तो मैं नहीं, उसके बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, मगर ओवरऑल जो है जितनी उनकी आबादी और जितनी उनको क्रिकेट की जब वो अच्छा करते हैं उनको पज़ीराई मिलती है, उतना ही बुरा उनको जब बुरा करते हैं उतनी ही उनको क्रिटिसिज्म होता है और उनके खिलाफ बातें की जाती हैं सोशल मीडिया पे। मगर देखें कल अल्लाह ताला की जो मदद थी वो आप इस तरीके से देखें कि अल्लाह ताला, मतलब हम लोग डिस्कस ये किया करते थे कि ड्यू फैक्टर होगा, टॉस जीतना पड़ा, वाइटल होगा, तो अल्लाह ने पहली चीज़ हमारे जो है ना वो सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी करते गए। वो टॉस भी हम जीते, फिर जो हम चाहते थे कि पहले हम बॉलिंग करें वही चीज़ हुआ। नॉर्मली आप देखें कि हमेशा से हमारे जितने भी लोग हैं एक्सपर्ट्स होते थे वो यही कहते थे कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और हम चेज़ अच्छा नहीं करते, और इस तरह की बातें हमेशा होती थी। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2019 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने वो जो डिसीजन लिया था उस पे भी क्रिटिसिज्म ज्यादा हुआ। तो इस दफा आप देखें चेज ही करने गए आप लोग, मगर अल्लाह ताला की मदद इस तरह साथ थी आपकी कि जब आप बॉलिंग करने आए तो शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से उनकी अर्ली ऑन जिस पे वो बैंक करते थे, जिस बैटिंग ऑर्डर पे वो इतना नाज करते थे और एरोगेंसी दिखाया करते थे कि हम लोग जो है मतलब क्या कहते हैं सुपर पावर, क्रिकेट की सुपर पावर है, तो अल्लाह ताला ने मदद की जिसकी वजह से हम लोगों ने उन जीरो जेर उनको कर दिया। उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ थी जो जिसपे वो नाज किया करते थे कि पहले ही पावर प्ले में ही तीन खिलाड़ी उनके 36 पे तीन आउट हो जाना, और ऑल्दो उन्होंने मिडल में विराट कोहली और पंत ने थोड़ी बैटिंग अच्छी की, ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर हैं वो, मगर उसके बाद फिर जो आप मिडल में आप देखें हमारे स्पिनर्स ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, ऑल्दो उन्होंने दो ओवर या तीन ओवर पूरे ओवर भी नहीं किए। और फिर एनर्जी बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, आप शादाब पे देखें क्रिटिसिज्म इतना हो रहा था कि वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे थे, उन्होंने बॉलिंग भी कल अच्छी की, और उसके साथ जब वो अपनी ही बॉल पे फील्ड करने, कभी वो मिड विकेट पे चले जाते थे, कभी वो रिंग पे जाके बॉल को रोक दूसरा रन रोकने के लिए कितनी वो एफर्ट कर रहे थे, तो ये चीजें आपको बताती हैं। इवन शोएब मलिक जो हम कहते हैं 40 इयर्स ओल्ड, जिसको कहते हैं 40 इयर्स यंग बल्कि उनको कहना चाहिए, कि बाउंड्री पे जिस तरह वो डाइव मार रहे थे, तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने इतना अच्छा शो पेश किया जिसकी हम सब तवक्को तो नहीं करते थे, मगर देख के बड़ी खुशी हुई कि ये पॉजिटिव साइन पाकिस्तान को जो कॉन्फिडेंस मिला पहले मैच को जीत के
दो पॉइंट लिए टेबल पे। अब आगे जाके अगले जो मैचेस होंगे पाकिस्तान अगे अगेन बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। आप इवन अफगानिस्तान जैसी टीम को भी इजी नहीं ले सकते क्योंकि आपको उनके पास भी मैच विनर हैं और मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। तो हमें एक एक मैच को बड़ा ही देख भाल के मैच को खेलना पड़ेगा अगर हमने टॉप फोर और फिर अच्छा फिनिश करना है फाइनल के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ब्राइट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त इस तरीके का नहीं है कि पाकिस्तानी टीम अपने गार्ड्स को डाउन करे। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। कल आपने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से एक सवाल किया, और उस सवाल के बाद जो है वो इंडिया में एक आग सी लगी हुई है, बल्कि इंडिया की अगर हम बात ना भी करें तो ओवरऑल ग्लोबल मीडिया के अंदर जो है वो उस वीडियो के चर्चे हो रहे हैं और काफ़ी सारी जगहों पर वो शेयर भी की जा रही है। पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। That Ishan Kishan, he has played very well in the warm-up matches. So, do you think that it's some mistake, Ishan Kishan? It's some mistake, Ishan Kishan. Wickets for 20 runs. Hi, Virat. My name is Syed Haider. I'm from Star News Pakistan. My question regarding the selection of the team. Many people they were talking about the selection that Ishan Kishan, he has played very well in the warm-up matches. So, do you think that it's some mistake, Ishan Kishan? If he could play, and then he can do better than Rohit Sharma. Next question. It's a very brave question. What do you think, sir? What do I'm you think asking the you, team? sir. No, I'm please. asking you, sir. I played the team that I thought was the best. What is your opinion? No, I'm just asking you. Will you drop I'm Rohit not. I'm not Sharma going to comment to you. from T20 internationals? Will you drop Rohit Sharma? No. You know what he did in the last Next question. game that we played? Yeah. वीडियो आपने देखी, विराट कोहली से सवाल किया था हैदर साहब ने। हैदर साहब, उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से आप उनसे पूछना ये चाह रहे थे कि ईशान किशन की जगह अगर वो ओपनिंग के अंदर कहीं बनाते और रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर के अंदर कहीं खिलाते वन डाउन या सेकंड डाउन, तो बेहतर नहीं होता क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस तरीके से रही? क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं इस सवाल के ऊपर दो बातें कहूंगा आपसे। पहली बात तो ये है कि इस सवाल का मकसद ये था कि अंडर द कार्पेट जो चीजें चल रही हैं इंडियन टीम में उसको बाहर निकाला जाए, दुनिया के सामने लाया जाए। दूसरी बात ये है कि विराट कोहली एक पजेसिव नेचर के आदमी हैं और वो सामने वाले को जिज करते हैं और अपनी मर्जी का की अगर बात ना हो, अपनी मर्जी का सवाल ना हो, तो वो उसको शर्मिंदा करते हैं, उसको वो डिसकॉन्टेंट करते हैं। भारतीय मीडिया जो है वो विराट कोहली से सवाल करते हुए बहुत घबराता है। आपको बताऊं कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है विराट कोहली के साथ, भारतीय मीडिया, इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ही छुप छुप के, डर डर के सवाल करते हैं। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हमने वो बात की कि जो बातें वहां पे उनकी टीम में चल रही हैं, ये बात सबको पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान अच्छे रिलेशंस नहीं है। अब ईशान किशन जो है वो यंग बैट्समैन है, उन्होंने वार्म अप मैच में अच्छी बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी T20 मैचेस में, तो वो एक अच्छे बैट्समैन है। और ये जरूरी तो नहीं कि एक बड़ा बैट्समैन अगर वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है तो उसको ड्रॉप ना किया जा सके, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आपको मैं याद दिलाऊं 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें वकार यूनुस कोच थे और उन्होंने शोएब अख्तर को ड्रॉप करके वहाब रियाज को वहां पे खिलाया था और वहाब रियाज ने 5 विकेट लिए थे उस मैच में। पाकिस्तान वो मैच हार गया था लेकिन पाकिस्तान एक मौके पर पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं। अब विराट कोहली ने मेरे सवाल के ऊपर, एक तो वो जवाब नहीं था उनके पास कोई, उन्होंने सवाल को ही डिसरिगार्ड करने की कोशिश की और उन्होंने मुझसे सवाल किया। हाँ, लेकिन हमारा काम सवाल करना है और प्लेयर्स जो आते हैं वो जवाब देने के लिए आते हैं, ना कि वो सवाल करने के। मैंने उनसे यही कहा कि आपसे मैंने सवाल किया, वो मुझसे कह रहे हैं आप बताएं क्या करेंगे। भाई मैं क्यों बताऊं, मैं टीम का कैप्टन नहीं हूँ, कोच नहीं हूँ, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, मेरा काम तो सिर्फ सवाल करना है। लेकिन उनके पास चूंकि जवाब नहीं था, उन्होंने इधर उधर घुमाने की कोशिश की। अब इंडियन मीडिया और भारतीय आवाम जो है वो चीख इसलिए ले रहे हैं कि जो बात उनके अपने घर में सही नहीं चल रही है वो दुनिया के सामने आ गई है। अब दुनिया के सामने खुल के आ गई है कि रोहित शर्मा में और विराट कोहली में अच्छे रिलेशन नहीं है। इस पर वो बहुत ज्यादा चीख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने ये सवाल क्यों किया है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर इस वक्त मचा हुआ है भारत के अंदर, और इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन भी रहे हैं, बहुत सारी खिदमात हैं उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जनाब शकील शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर आपने हैदर साहब की बात सुनी होगी थोड़ी सी अभी, उनसे मैंने सवाल ये किया था कि उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से सवाल किया और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त शोर है भारत के अंदर भी कि रोहित शर्मा का जो टॉप ओपनिंग के ऊपर वो खेलते हैं तो उनको कहीं रीशफल करके ईशान किशन की जगह बनती थी, यानी उसके ऊपर विराट कोहली ने जो है वो एक बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स दिया और फिर अब वो सारी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? शकील साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? शकील साहब को गालिबन आवाज नहीं आ रही। मैं यासिर रफा साहब आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताइएगा कि कितना अग्री करेंगे आप इस चीज से। देखिए सही साहब ने जो अपने जो सवाल के बारे में जो दो बातें की उसमें जो पहली बात की है ना वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी कि देखिए ये माइंड गेम होती है, क्योंकि जब हमारे कप्तान या हमारे क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम में कोई भी इश्यूज चल रहे होते हैं तो ये फॉरेन मीडिया होता है जो स्पेशली इंडियन मीडिया भी है वो इस तरह के सवाल करके आपको इंस्टिगेट करता है कि आप कोई ऐसी बात करें जिसकी वजह से बात जो है वो ख़राब हो। तो वो सही साहब ने बिल्कुल कहा सही, उनकी जो इंटरनल जो प्रॉब्लम चल रही है उसका वाजे सबूत ये है कि विराट कोहली ने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है, बल्कि छोड़ रहे हैं वो कप्तानी अपनी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, तो जिसकी वजह से डेफिनेटली कोई ना कोई इशू चल रहा है। और रोहित शर्मा जो है वो नेक्स्ट इन लाइन है कप्तानी के लिए और उन्हीं के लिए प्लान किया जा रहा है कि विराट कोहली जो है वो बाकी फॉर्मेट्स की कप्तानी करेंगे और रोहित शर्मा को T20 का फॉर्मेट का, क्योंकि वो जो उनकी हिस्ट्री रही है T20 में मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने 4 या 5 दफ़े टाइटल जितवाए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि इतने अरसे से विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे और फिर अब उस पर ये कह रहे हैं कि जी उन पर प्रेशर पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से तो सही साहब ने बड़ी अच्छी बात की और ये और क्योंकि बिल्कुल सही है, इंडिया मीडिया को दबाया जाता है टुवर्ड्स आईसीसी, जब भी उनके जब जर्नलिस्ट अपने उनकी क्रिकेट टीम से बात कर रहे होते हैं तो उनको बड़ा मतलब दबा के रखा होता है कि आप इस तरह के सवालात नहीं कर सकते। तो सही साहब ने बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल किया है और इट्स अ माइंड गेम, आपने ये सवाल किया दुनिया की नज़रों में ये चीज़ आई और इवन डेफिनेटली ये अब डिस्कस ऑब्वियसली अब ये उनकी टीम में भी होगा, तो ये एक अच्छी माइंड गेम है और आप दूसरी टीम को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के सवालात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया करते हैं। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। और शकील शेख साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान के इस हिस्टोरिकल जीत के ऊपर। तो मेरे तासुरात ये ओवर द मून, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैच में T20 वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया को धूल चटा दी है और बुरी तरह आ रहा है। इतनी बुरी शिकस्त तो मेरा ख्याल है किसी नॉर्मल टीम को भी शायद ना पाकिस्तान कभी दे सके, मगर यह है कि क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने ना प्रेशर लिया, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और आप देखें कि विराट कोहली और इंडिया की साइड से जितनी शुरू से जब से ये मैच सेट हुआ था, आपको याद होगा जब से शेड्यूल हुआ था, दे वर ऑन द डिफेंसिव। इवन विराट कोहली ने जब उससे पूछा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, तो उसने कहा जी पाकिस्तान की टीम ऑन द डे बड़ी तकड़ी है, तो उसने कोई कमेंट नहीं किए थे। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड था आपको याद होगा कि हमने 12 खिलाड़ी पहले ही अनाउंस कर दिए थे, फिर आप देखें कि टास्क का जीतना हमारे लिए बड़ा वाइटल हुआ और फिर कौम की दुआएं भी थी, फिर आपको याद है कि इंडिया को इनजस्टिस बहुत कर रहा है पाकिस्तान के साथ, कॉन्स्पिरेसी, ग्लोबल कॉन्स्पिरेटर मैं इसको कहता हूं इंडिया को, कि वो क्रिकेट की तबाही का बायस बन रहा है। और तीसरी बात यह है कि ये पैसे से ये पैशन नहीं खरीदा जा सकता, आप जितना मर्जी पैसा लगा लें लेकिन जो पैशन है वो अपनी जगह पे है और पैशन ही जीता है। और ये जो वार थी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के मैदान में, वो पाकिस्तान ने मतलब है कि आउट प्लेट तो एक सिंपल लफ्ज है, आउट क्लास कर दिया है इंडिया को, बिल्कुल मतलब लटा के रख दिया है। और कौम को भी मुबारक हो, आपको भी और सारे पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर थे, क्योंकि इसमें हर एक का रोल है, हर एक ने दुआएं की हैं, हर एक ने अटेंशन दी है इस मैच में और पाकिस्तानी टीम के लिए, कप्तान के लिए, बोर्ड के लिए, और मेरा ख्याल है बेहतरीन इंतजाम हुए थे, टीम बहुत अच्छी बन गई थी चेंजेस के बाद, आपको पता पहले 3 हुई फिर 1 हुआ, तो इस तरह पाकिस्तान की टीम बड़ी मजबूत थी। मगर मेरा ख्याल है घबराहट जो है वो इंडिया को ज्यादा ले बैठी है, प्रेशर ले बैठे थे और जैसे ही शहनशाह अफरीदी ने जब अर्ली बस्ट मारी है, 2 विकेटें जब गिरी हैं, तो उसके बाद तो ये समझ ही नहीं सके ना, फिर कोशिश की है विराट कोहली ने आहिस्ता आहिस्ता खेल के, तो उसने मेरिट पे खेलने की कोशिश की है कि बाद में मैं लेट ऑर्डर में जाके नीचे थोड़ा सा स्कोर करूंगा, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया तो वहां पे भी वो आउट हो गया। लड़कों ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान और अपने आर्च राइवल को बुरी तरह शिकस्त दी है और इससे बड़ी शिकस्त वर्ल्ड कप में हो नहीं सकती थी।
बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की ये हिस्टोरिकल फतह है। और शकील साहब, आपने क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक बहुत तवील मुद्दत तक काम किया है और उसके अलावा भी आपकी क्रिकेट के लिए बहुत सारी खिदमात रही हैं पाकिस्तान की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से रमीज़ राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने, एक के बाद एक सेटबैक्स हुए पाकिस्तान को, अनफॉर्चुनेटली दो बड़ी टीमों के दौरे कैंसिल हुए, उसके बाद भी कुछ मामला जो हैं वो आगे पीछे चलते रहे। अब किस तरीके, अब जो एक पहली बड़ी और इंतहाई बड़ी खुशखबरी हमें मिली है एक इस जीत के साथ, और आगे अब कप का जो सफर है वो भी काफी आसान और अच्छा फ्यूचर हमें नजर आ रहा है, तो किस तरीके से, एक तो आप रमीज राजा के टेन्योर को देख रहे हैं आप, और किस तरीके से जो क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट है उसको देख रहे हैं? देखिए, पहले आपने सही कहा कि जैसे ही वो आए थे तो एक दो मेजर सेटबैक हुए थे जब, और ये सारी ही शरण शरारत तो आपको पता है इंडिया की थी, और इंडिया ने ही वो वीपीएन में बना के सिंगापुर से, तो उन्होंने जाली हॉक्स कॉल की थी, हॉक्स मैसेजेस दिए थे, जिसकी वजह से ये न्यूजीलैंड की टीम आई हुई, हम तो इस्लामाबाद में है, टीम निकल रही थी और उस वक्त बिल्कुल एंड मौके पे ये उन्होंने कैंसिलेशन कर दी थ्रेट की वजह से। और फिर इंग्लैंड की टीम ने तो खैर बड़ी ज्यादती की है, वो तो मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड को तो बिल्कुल लटाना चाहिए, हमारा मैच तो पूल का नहीं है उनके साथ, लेकिन हो सकता है सेमीफाइनल किसी मौके पर जाकर हो, इसीलिए फिर उनके चेयरमैन ने भी आपको पता बाद में रिजाइन किया, क्योंकि उनके अपने खिलाड़ी बोर्ड ऑफिशियल और सारे खड़े हो गए थे। मगर रमीज राजा का दौर जो अब स्टार्ट हुआ है, देखिए 13 सितंबर को रमीज राजा साहब का इलेक्शन हुआ है, अभी आप देख लें कि 1.5 महीना भी नहीं हुआ और पाकिस्तान को मेजर विक्ट्री दी है रमीज राजा साहब के बोर्ड ने। बोर्ड में जो चेंजेस आई हैं बहुत अच्छी हैं, ये चेंजेस का सिलसिला भी आपको पता है कि कोची से शुरू हुआ था वकार और मिसबा के जाने के बाद, और फिर उसके बाद दूसरे ऑफिशियल को भी मेरा ख्याल है घर भेजा गया। तो मेरा ख्याल है कि रमीज राजा का दौर तारीख में याद रखा जाएगा कि इंडिया को कितनी बुरी शिकस्त दी है, और अब तो मतलब है कि आप ये जिसको कह लेना कि फाउंडेशन तो बन गई है ना रमीज राजा साहब की, 3 साल का ये दौर जो है इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत ग्लोरियस इरा होगा। और जैसे कि रमीज राजा ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमने अपने क्रिकेट को वापस लाना है और टॉप पे लेके जाना है, यानी नंबर 1 होना है, तो ये मेरा ख्याल है उस तरफ शुरुआत है और अभी शुरुआत ही है, लेकिन शुरुआत बड़ी बड़ी ही ड्रामेटिक हुई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की हुई है, और इसलिए मैं तो उम्मीद से हूँ और सारी दुनिया को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि जब किसी चीज की शुरुआत इतनी अच्छी हो तो फिर आगे भी बड़ा अच्छा होगा। जिस तरह आप इंडिया को हमने शिकस्त दी है तो मुझे उम्मीद है कि पूल के दूसरे मैचों में भी अगर लड़के रिलैक्स नहीं करें और हर गेम को गेम समझ के खेलें, क्योंकि ये T20 की प्रेडिक्शन जो है ना जो लोग करते हैं, मैं बहुत कम करता हूँ, इसलिए कि इसमें कुछ पता नहीं लगता। आप देखें ना कि शाहीन शाह ने सिर्फ बस्ट मारी है और सारी टीम को उन्होंने अंडर प्रेशर लिया, उसके बाद बाबर और वो बड़े आराम से बड़े कूल, कोई उन्होंने रैश शॉट नहीं खेला, कोई निकल के नहीं मारी, कोई जो स्लॉगरिंग होती है वो नहीं की, बड़े मजे से खेले हैं और मैच को लेके घर चले गए 10 विकेटों से। तो इसलिए कि अब एंडा के जो मैच है, न्यूजीलैंड का मैच बड़ा अच्छा है, फिर अफगानिस्तान का, और असल जो मैच होगा ना अब जाके आपका, जिसकी मुझे बड़ी तोको है, वो है नॉकआउट स्टेज पे सेमीफाइनल का मैच है। सेमीफाइनल का मैच किससे पड़ता है वो एक इम्पोर्टेंट है, और वो हमने जीतना है, तो फिर मैं तो कहता हूँ कि इंडिया आए किसी तरह सामने फिर, और एक दफा फिर दो दफा धुनाई हो जाए तो हमारे लिए तो डबल 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 हैप्पीनेस हो जाएगी, डबल खुशियां हो जाएंगी। बिल्कुल, तमाम कौम जो है वो भी यही उम्मीद करिए कि फाइनल में जो है एक मरतबा फिर पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हो, और दीगर भी जो मैचेस हैं वो टीम अच्छे खेले। बहुत बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब हमसे बात करने के लिए और वक्त निकालने के लिए, और अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ मज़ीद कल होने वाले मैच की, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी कल खेला जाएगा और कुछ एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कुछ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, और एक हमने तज्जिया किया कि किस ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त दी भारत को। और यासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइएगा कि रमीज राजा ने एक मैच से कबल, जब वर्ल्ड टीम का अनाउंसमेंट हुई थी और जब उन्होंने कराची का दौरा किया था, उस वक्त उन्होंने एक बात की थी कि कोई एक इन्वेस्टर मौजूद हैं जिन्होंने उनसे वादा किया है कि वो एक ब्लैंक चेक देंगे रमीज राजा को क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए अगर पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे देता है वर्ल्ड कप के अंदर, और बिलाखिर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी और एक बहुत ही इबरतनाक शिकस्त दी है। तो कोई ब्लैंक चेक मिलते हुए देख रहे हैं आप रमीज राजा को? देखिए, अल्लाह करे ब्लैंक चेक मिले, और उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा जो पाकिस्तान की बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स बोर्ड के भी जो खर्चे हैं उसी से निकल जाए, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि
देखिए हम मुकाबला करते हैं दूसरी टीमों से, ओलंपिक्स होते हैं तो हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं, वेर एज अपने प्लेयरों की तैयारी आप देख लें, इंडिया का बजट 6 से 7 अरब इंडियन रुपीज के हिसाब से अपने ओलंपिक्स पे लगाते हैं, हमारा टोटल बजट जो है 40-50 करोड़ के होता है, तो आप ये जो ब्लैंक चेक आएगा अल्लाह करे जितने ज्यादा से ज्यादा इससे सिफर लग सके एक के बाद, तो सबको कोशिश करनी चाहिए उसके आगे सिफर लगाना शुरू कर दें, और दुआ यही करते हैं वो ब्लैंक चेक जल्दी सामने आए। हैदर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए रमेश राजा काफ़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं और उसी में से एक कोशिश का नतीजा ये ब्लैंक चेक था, पाकिस्तान ने बिलाखिर इंडिया को शिकस्त दी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जी बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा कोई ब्लैंक चेक मिल जाता है, और जैसे यासिर ने कहा कि वो पैसा अगर आता है तो क्रिकेट के साथ और दूसरे गेम्स भी खर्च होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्रिकेट तो वैसे ही सेल्फ इतना कमा लेती है कि अपने खर्चे खुद पूरे कर लेती है, मैं समझता हूँ क्रिकेट या क्रिकेटर्स को अब पैसों की इतनी चाहत नहीं है जितना कि उन्होंने पैसा कमा लिया या कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे गेम्स जो है उनका बड़ा बुरा हाल है, और दुनिया बात करती है, पाकिस्तानी कौम बात करती है कि हमारी एथलेटिक्स में और दूसरे गेम्स में कितने मेडल्स हैं, बात यह है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको कुछ मिलता है, ये एक सादा सा इकोनॉमिक्स उसूल है कि फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन गेट द फ्रूट, तो पहले बीज बोना पड़ता है तभी दरख्त होता है, तो अगर रमीज राजा के पास कुछ ऐसा है तो उसको वो फॉरवर्ड करें पूरी कौम के सामने और पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने, और उसको सही बैलेंस जो है डिवाइड होना चाहिए, लेकिन खुदा करे ऐसा हो जाए तो ये बात कागजों में और जबान पे नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकली हो जाए कुछ। आप बिल्कुल, अब देखना यह है कि उनको ब्लैंक चेक मिलता है या नहीं, और इसी बारे में बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोर्ट्स विंग के हेड हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल स्पॉन्सर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जनाब उमर खयाम साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा पाकिस्तान की हिस्टोरिकल विन में, बिलाशुबा आपके भी काफ़ी सारे आपको क्रेडिट जाता है क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं क्रिकेट के मामलों को लेकर पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों में, और किस तरीके से सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा जीत को आप देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम वजाहत, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और बिलाशुबा कल का दिन पाकिस्तान की सिर्फ खेल की तारीख में नहीं बल्कि कौमी तारीख में एक रोशन तरीन दिन, बल्कि मैं कहूँगा रात थी, और कल हमने साबित किया एक मरतबा फिर दुनिया के सामने कि दुनिया में यू कैन इग्नोर पाकिस्तान, यू कैन कंस्पायर अगेंस्ट पाकिस्तान, बट यू कैन नेवर राइट ऑफ पाकिस्तान, और कल जो पाकिस्तानियत का जज्बा हमारी टीम ने पूरी कौम के दिल में जगाया है, आप यकीन करें मुझे तो वर्ल्ड कप 1992 और वर्ल्ड कप 2009 में की बात की फेस्टिविटीज याद आ गई, और पूरी कौम की दुआएं शामिल थीं, पूरी कौम की तमन्नाएं इसके अंदर शामिल थीं, और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने तमाम तर तनकीद के बावजूद, तमाम तर जो उन पर निश्तर चलाए जा रहे थे, नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने स्क्वाड पे एतमाद किया, अपनी स्ट्रेटजी पे, अपने एसेट्स पे एतमाद किया, और अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बेमिसाल नतीजा दिया। अब बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त कामयाबी रही। यासिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही थी, कुछ रद्दोबदल किए गए, और लेकिन कल सारे के सारे चेंजेस भी धरे के धरे रह गए, शाहिनशाह आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पूरे का पूरा गेम खत्म कर दिया, किसी और खिलाड़ी को तो खेलने की नौबत ही नहीं आई। जो सिलेक्शन थी वो तो शुरू से ही क्रिटिसिज्म की जद में थी, आप अगर देखें आजम खान से अगर बात शुरू करें पिछले 3-4 साल से हम यही, बल्कि उससे भी पीछे अगर चले जाएं जब बल्कि मैं खुद भी खेला करता था कि फिटनेस को प्रायोरिटी दी जाती थी, और मिसबा उल हक जब कप्तान थे उस टाइम भी, और भी ये बिल्कुल अच्छी बात भी है कि फिटनेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप फिट ही नहीं है तो ग्राउंड में आप खेलेंगे और परफॉर्म कैसे करेंगे, तो आजम खान की जो सिलेक्शन है लोगों ने उसको डिफेंड भी करना शुरू कर दिया कि जी ये इसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और देखिए स्ट्राइक रेट क्या करना कि जब आपने 2 बॉलों पे 2 छक्के अगर मार भी दिए और अगली बॉल पे अगर आप आउट होके चले गए, अब टीम को आपकी जरूरत है, आपने लंबी इनिंग खेलनी है, तो आपने कौन से उस आजम खान ठीक है टैलेंटेड, तो था मगर आप कितने को इसने टूर्नामेंट खेल जिताए टीम को या क्रिकेट भी, तो हमें अपनी जो सिलेक्शन है वो पाकिस्तान पीएसएल से नहीं करनी चाहिए। ये जो कल की जो आप क्रिकेट देखे ना, ये जो ओपनिंग स्टैंड हमारा जो इतना अच्छा मिला, उसकी रीजन थी ये दोनों प्रोडक्ट जो थे तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है, ये लोग 4-day 1-day क्रिकेट खेल के आए हुए हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट हमेशा से ही आप पीछे 40-50 साल पीछे चले जाए वही है, बॉल भी वही है, बैट भी वही है,
थोड़ी सी इंटरवीन हुई है, जिस तरह फॉर्मेट्स चेंज हुए, 10 आया, T10 आया, T20 आया, हमें जो है अपने जो जो ये जो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। और बाद में जितना क्रिटिसिज्म उस सिलेक्शन पे हुआ और फिर हमने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले उसके बाद ये जो टीम सेलेक्ट होगी, देखिए इसको भी मैं नहीं कहूंगा, अगर आपने शोएब मलिक को टीम में लेके आना है कंसिडरिंग के वर्ल्ड कप जो आपका पहले इंडिया में और अब जाके UAE में हो रहा था, इन कंडीशन के लिए हम सबको पता है कि शोएब मलिक टीम के लिए मिडल में आपको इतने बड़े इवेंट में आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। उसके बाद फिर जो हफीज के साथ जो रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछे रहा वो भी एक किसी से ढका छुपा नहीं है। तो जब आप अपने प्लेयर्स को मेंटली तैयार करते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं, आप ये सालों साल की मेहनतें होती हैं कि आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, ओवरनाइट चीजें करने से कभी भी आपको रिजल्ट नहीं आते। तो आपने जो सिलेक्शन, ठीक है बाद में जाके अपनी सिलेक्शन को ठीक कर दिया, मगर मेरा ये मानना है कि एक्स क्रिकेटर, एज अ एक्स क्रिकेटर, कि जब आप ये चीजें करते हैं, प्लान करते हैं, तो सालों साल की ये प्लानिंग होती है। ये नहीं होता कि हफ्तों में आप टीम चेंज करते हैं, प्रेशर पड़ता है फिर आप टीम चेंज कर देते हैं। वो तो अल्लाह ताला की मदद आपको इस तरह हुई, जिस तरह मैंने पहले बात की कि टॉस भी आप जीते, शाहीन ने एक्सेप्शनल स्पेल किया, पूरी टीम ने आपको तीनों शाने चित जिसको कहते हैं ना, वो कल हम लोगों ने किया। फील्डिंग आप हमारी देख लें, और उसके अलावा आप जो जो बॉडी लैंग्वेज था, सब चीज जितनी भी आप तारीफ करें इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कम है। तो सिलेक्शन को देखो, जिस तरह मैंने पहले बात की, हमें ये प्लानिंग लंबे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए हमारी कि कौन से प्लेयर। अब हैदर अली देखिए, हमने पहले उसको जब सिलेक्ट किया तो वो टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म करता था, हमने उसको पाकिस्तान टीम में मिडल पे खिला के उसकी परफॉर्मेंस ही हमने ड्रॉप कर दिया। उसने दोबारा पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ा। तो ये जो चीजें हमें इसको देखना पड़ेगा, और कोचिंग का बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स के साथ कोचिंग या डोमेस्टिक लेवल पे भी कोचिंग होती है, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, एक सवालिया निशान है और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। उमर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरीके से यासिर अरफात साहब ने कहा कि अगर हम बाबर आजम की बात करें, शाहीन शाह आफरीदी की बात करें, रिजवान की बात करें, सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको ग्रूम किया जाता है। अभी ब्रेक से पहले मैं आप ही के करीबी साथी हैं जनाब शकील शेख साहब, उनसे बात कर रहा था, आपकी मैंने आज ट्वीट भी देखी कि किस तरीके से शकील शेख साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रूम करने में, बाबर आजम हो गए, इमाद वसीम हो गए, हसन अली हो गए, शादाब खान हो गए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। तो कितना ज़रूरी है इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को फिक्स करना और एक कंसिस्टेंट सिस्टम बनाना जिससे खिलाड़ी जो है वो निकल कर एक अच्छा टैलेंट पाकिस्तान का सामने आए। जी बड़ी आपकी साहिब एक राय है कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो हार्ट एंड सोल होता है किसी भी क्रिकेट इंडस्ट्री का। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है, प्रोफेशनल बुनियादों पर इस्तवार है और कमर्शियली वायबल है, तो आपको वो प्रोड्यूस मिलेगी, आपको वो ह्यूमन रिसोर्स मिलेगी जिसको फिर आप कौमी टीम की किट पहनाकर मैदान में उतारें और फिर वो आपका सर फख्र से बुलंद करे। तो शकील शेख साहब की तो बेशबहा खिदमात है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। और मैं आपको एक तारीखी वाकया बताता चलूं कि जब मैंने आज से 5 साल पहले इमरान खान टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया तो उसका फाइनल हमने डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक्किद किया था, जिसमें इमरान खान साहब ने पहली मरतबा 92 वर्ल्ड कप के बाद किसी क्रिकेट की फरमाई थी। और उमर खयाम साहब से गालिबन रब्ता हमारा मुनखता हो गया है। हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, हम क्योंकि बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की और वहाँ से निकलने वाले प्रोडक्ट की, तो कितना ज़रूरी होता है एक प्रॉपर कंसिस्टेंट सिस्टम बनना, जिस तरीके से यासिर ने भी बात की कि वो हार्ट एंड सोल है, और जिस तरीके से उमर खयाम साहब ने भी कहा, तो कितना ज़रूरी है एक प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का होना? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे यासिर साहब ने कहा कि आप सिलेक्शन का एक स्टैंडर्ड मैार बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट को, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रिकेट जो होती है वो एक्चुअली बैट्समैन को बनाती है, बॉलर्स को बनाती है, PSL को या किसी लीग क्रिकेट को, T20 क्रिकेट को, उसको मैयार ना बनाए। ये बिल्कुल सही बात है। और मैं समझता हूँ यासिर अरफात जैसे लोग, पॉजिटिव नेचर के लोग, प्रोग्रेसिव नेचर के लोग, ये लोग होना चाहिए। ये लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होंगे इसकी डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग अभी भी, हमारे जो इस वक्त जो बोर्ड मैनेजमेंट में जो लोग हैं, अभी भी रमीज राजा के आने के बाद भी अभी भी वही पुराने ख्यालात के लोग हैं, वही उनका तरीका है कि भाई स्टेट सामने रखो, PSL में क्या किया। अब आप देखिए आजम खान जो हैं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या किया है? मोइन खान के बेटे हैं, बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेकिन डोमेस्टिक में तो कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने PSL में 1-2 छक्के लगा दिए, और उनको जो है, मुझे याद है सीधा ना, PSL में जब मैं मीडिया बॉक्स में था
तो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने आगे कहा कि देख लीजिएगा आजम खान जो है वो पाकिस्तान टीम में जल्दी आ जाएगा। यानी उन्होंने पहले से प्रोग्राम बना रखा था। ये चीजें खत्म होनी चाहिए और मैं समझता हूँ अच्छे लोग जो पॉजिटिव नेचर के लोग हों या सफात हों या और इस किस्म के लोग हों इनको बोर्ड में लाना चाहिए कि रणवीर सिंह इनसे बात करें। ये लोग इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे हैं। देखिए आप अंग्रेजों की कोचिंग करवा रहे हैं पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों कोचिंग के लिए अंग्रेजों को ला रहे हैं, कितना एक तजाद है। बिल्कुल एक तजाद मौजूद है। और उमर खयाम साहब जो है वो वापस हमारे साथ लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उमर खयाम साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिएगा। जी आई एम सॉरी, मैं सफर में हूँ तो उस वजह से रब्ता मुनकता हो गया था। तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही पाकिस्तान की सोसाइटी और स्टेट दोनों की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसी जरूरत को मद्देनजर रहते हुए आपके इल्म में है कि हम एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप पैकेज लाए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। और जिसके अशाकसाना आपने ये देखा कि ये अभी जो रिसेंटली नेशनल T20 कप हुआ था उसकी प्रोडक्शन वैल्यू आप देख लें, उसमें कॉम्पिटिशन का लेवल आप देख लें, टीम की किट्स की मोनेटाइजेशन देख लें, ये चीजें आपको कभी इससे पहले देखने में नहीं मिली थी। और आगे भी मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है और अब हम एक ऐसा निजाम बना देंगे एट नो कॉस्ट टू स्टेट, एट नो कॉस्ट टू PCB और द गवर्नमेंट, जहां पे कोई भी बच्चा अपने घर की दहलीज से अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर पाकिस्तानी क्रिकेट के कौमी धारे में शामिल हो सकेगा। इंशाल्लाह ताला अगले महीने के इख्तिताम पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को अगले 2 साल में हम उस मकाम पर ले जाएंगे कि इसको एज एन एग्जाम्पल कोट किया जाएगा। जिस तरह एक दौर में पाकिस्तान के 5 साल मनसूबे को चाइना ने कोरिया ने कॉपी किया और फिर वो एशियन टाइगर्स बने, इंशाल्लाह ताला अब आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में वो निजाम नजर आएगा जिसको पूरी दुनिया के ममालिक कॉपी करेंगे और ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगा कि टैलेंट को अपॉर्चुनिटी के साथ हार्नेस कैसे किया जाता है। एक चीज जो एक मैं थोड़ा सा टाइम आपका मजीद दूंगा, वो चूंकि गेस्ट की मैं बात सुन रहा था, आप एक जो फिक्री मगालता हमारे क्रिकेट के कुछ खुद साख्ता एक्सपर्ट्स ने और फैंस ने बना रखा है जिसे पावर हिटर कहा जाता है या पावर हिटिंग कहा जाता है, मेरी दानिश में मेरी नाकिस राय में ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर पावर हिटिंग का नाम अंधाधुंध घुमाना है और 2 छक्के लगाकर मैच की नजाकत को मैच की सिचुएशन को देखे बगैर हार्ड हिटिंग करनी है तो फिर वो कोई सॉलिड मैं उसको ना स्किल मानता हूं ना स्ट्रेटजी मानता हूं। क्रिकेट इज ऑल अबाउट टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। परसेंटेज शॉट्स खेलने की बैट्समैन को आदत होनी चाहिए, उसे मैच की सिचुएशन के मुताबिक अपनी अप्रोच को और अपनी स्ट्रोक मेकिंग को टेलर करना आना चाहिए, जिसकी एक बहुत ही शानदार और नाकाबिले फरामोश डेमोन्स्ट्रेशन कल रिजवान और बाबर ने दी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो बीच में थोड़ा सा नीचे चली गई थी उसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है क्रिकेट की तरफ, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, हमने अपनी ब्रेन पावर को अपनी टैक्टिक्स को छोड़कर ये इधर उधर की और ये फेसबुक के जो स्टैटिस्टिशियंस हैं इनकी बातों में आकर हमने सिलेक्शन भी करनी शुरू कर दी थी और अपनी जो ट्रेनिंग और अपनी जो प्लेइंग फिलॉसफी है उसको यकसर तब्दील कर दिया था। लेकिन कल आपने पाकिस्तानी टीम को उस अप्रोच के साथ देखा जो बड़े कामली बड़े कोल्डली कैलकुलेटेड अंदाज में बॉलर्स ने अपना काम किया, फील्डर्स ने अपना काम किया, कप्तान ने अपना काम किया, बैट्समैनों ने अपना काम किया, बड़ी खूबसूरत तरीके से डव टेल होकर कन्वेंशनल रिस्क फ्री कैलकुलेटेड और परसेंटेज क्रिकेट खेली हर किसी ने। ना कोई आपको लंबे छक्के लगाने पड़े, आप मुझे बताएं क्रीज से निकलकर एक शॉट भी हमारे बैट्समैनों ने नहीं खेली और फिर भी 10 विकेटों से वो मैच जीत गए। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जो अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट की सोच में नजर आएगा। और मैं यासर अराफात साहब ने जितनी बातें कही ये माशाल्लाह हमारे बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर थे और ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि हमने इनके सलाहियत से उस तरह फायदा नहीं उठाया जिस तरह हमें उठाना चाहिए था, खास तौर पे T20 क्रिकेट में। तो इंशाल्लाह ताला बीइंग पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि जो जो भी पाकिस्तान की बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स है तजर्बाकार लोग मौजूद है उनके तजुर्बे से फायदा उठाया जाएगा, उनकी सलाहियतों से इस्तफादा किया जाएगा और उनको वो फाइनेंशियल और सोशल मकाम दिया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक है, ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा बाबर आजम बनना चाहे, हर बच्चा मोहम्मद रिजवान बनना चाहे, हर बच्चा यासर अराफात बनना चाहे,
तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त बात की उमर खयाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और जिस तरीके से उमर खयाम साहब ने कहा कि एक टेक्स्ट बुक स्टाइल के अंदर परफॉर्मेंस दी कल, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने कोई बड़ी हिट्स गैर जरूरी तौर पर नहीं खेली, उन्होंने फिर भी छक्के भी लगाए, चौके भी लगे। यासिर रफा साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा, किस तरीके से आप ओवरऑल रेट करेंगे कल की बैटिंग को, साथ ही साथ कीपिंग इट शॉर्ट मुझे भी बताइएगा कि कल के मैच में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा उसके लिए प्रेडिक्शन क्या करेंगे आप? देखिए, जिस जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को इस मैच से मिला है, स्पेशली जो कल जो जीते हैं उससे, तो स्काई हाई उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए। फिर अगेन वही चीज देखनी पड़ेगी, टॉस बड़ा वाइटल होगा, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है वही सेम इनका जो है जो इनका प्लान होगा वो एग्जीक्यूशन उसी तरह ही करेंगे। अगर टीम को देखें देखें ये मैचेस इस तरह होते हैं, हर टीम के खिलाफ आपका डिफरेंट प्लान प्लान होता है, और न्यूजीलैंड हमेशा से हमें पता है कि वो स्लो पिचेस पे स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो ज़रा उनको मुश्किल होती है। तो मुझे यही लगता है कि कल जिस तरह मिडल में हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, ऑल दो हफीज ने भी दो ओवर किए, पूरे स्पेल नहीं किया, तो मुझे ये लगता है कि कल ज़्यादा ओवर कराए जाएंगे स्पिनर्स के मिडल में, और वो स्ट्रेटजी से जाएंगे। अगेन उनके पास भी अच्छे मैच विनर प्लेयर्स हैं उनकी, अगर आप बॉलिंग की अगर आप देखें, ट्रेंट बोल्ट सऊदी हैं, काइल जेमिसन फर्गसन है, स्पिनर अगर आप देखें इश सोदी हैं, और सेंटर अगर खेलते हैं तो उनके पास भी टॉप के प्लेयर्स हैं। मगर अगर पाकिस्तान इस स्ट्रेटजी से अगर जाए, स्लो एंड लो पिचेस होती हैं वहाँ पे, और अगर ज़्यादा जो है वो 20 ओवर में अगर मैक्सिमम अगर 11 से 12 या 12 13 ओवर अगर स्पिनर से ऑपरेट कराएं स्पेशली इनके खिलाफ, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो सकती है। बिल्कुल हैदर साहब, अग्री करेंगे यासिर भाई से? और बिल्कुल यासिर अरफान ने बिल्कुल सही कहा, और एक बात और हमें देखना चाहिए कि शारजा का ग्राउंड जो है वो इतना बड़ा नहीं है, दुबई जितना छोटा ग्राउंड है, तो हार्ड हिटिंग के लिए वहाँ ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाती जैसे यासिर अरफात ने कहा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान ज्यादा डिपेंड करे स्पिनर्स पर। और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान की टीम वही टीम है जिसके पास इतने सारे स्पिनर्स हैं, एक वक्त में पाकिस्तान चार स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, हफीज भी हैं, शोएब मलिक भी हैं, शादाब भी हैं, और इमाद वसीम भी हैं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान कल इसी तरह अपनी स्ट्रेटजी रखेगा और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा और इंशाल्लाह कल का मैच भी जीतेगा। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम का मोराल और कॉन्फिडेंस दोनों बुलंद हैं, और उम्मीद की जा रही है कि कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देकर सेमीफाइनल के और मजीद करीब पहुंच जाएगा, और कल भी जो है वो हम एनालिसिस को जारी रखेंगे और गहरी नज़र रखकर एक गुफ्तगू करेंगे कि आखिर पाकिस्तान जो है वो किस स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरेगा। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, अल्लाह हाफिज़।